पेन रख दे, याद रख दे, ठीक है। चलिए कौन सा टॉपिक है? नंबर सीरीज, ठीक है। आपकी बुक में आता है नहीं बोला? नंबर सीरीज में क्या होता है, हमें कुछ नंबर दिए होता है, वो नंबर में आगे वाली सीरीज क्या होगी ये हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। देखो तो इसमें फर्स्ट नंबर पे क्या दिया हुआ है, 11, 11, 3, 21 और 31, ठीक है। अब इसके आगे कौन सा, यानी ये सब लिखी में 10-10 का गैप है ना, डबल वन हो गया 2-1, 3-1, तो आगे क्या है ना, 4-1, 5-1, 6-1, पहले वाला इजी था। चलो ये क्या है, 4-8-12, इसमें क्या गैप, कौन सा गैप है, 4 का गैप है। तो देखो 4 में इसमें 4 डाले थे तो 8 हुए, इसमें 4 डाले, ये 4 का टेबल है ना, 4 में 4 डाले 8, 8 में 4 डाले 12, 12 में 4 डाले गए थे 16, तो उसमें 4 डाले गए 20 और 24, ठीक है। 4 का टेबल हुआ 4, 8, 12, 16, 20, 24, समझ में आया। अब देखो इसमें क्या है, चलो थर्ड वाले में कौन बोलेगा, सही से देखो, 2 का होगा तो 2 4 के बाद 8 हो जाएगा, चलो 6 आएगी, पता है। अभी ये क्या, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया, आपको क्या लग रहा है 2 का क्या हुआ है, 4, फिर 4 के बाद क्या आया, 8, उसके बाद क्या आया, 16, तो मतलब क्या हुआ, 2 का डबल हुआ 4, 4 का डबल हुआ 8, 8 का डबल हुआ 16, 16 का डबल करेंगे क्या हो गया, 32, और 32 का डबल करेंगे तो 64, ठीक है। ऐसे कर देना 32 प्लस 32, ठीक है, समझ में आया। यानी आपको चारों चार नंबर देखना, डायरेक्ट लिखने ही नहीं, लेकिन 2, 4, 8 है तो 2-2 का ही गैप है, ठीक है। चलो इसमें क्या आपको लग रहा है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 और फिर 9 है, चलो क्या है, 3 के बाद क्या है, 5, 1 एक का गैप, 2 का गैप 2 है, ठीक है। फिर 5 के बाद 7 के साइड 2 का गैप है, आदर्श तो सही से बैठे, फिर 7 के बाद 9 के साइड 2 है, तब क्या आएगा, 11, और उसके बाद 14, 15, समझ में आया। चलो 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5 और 5, 5, समझ में आया, 5 से 5 है ना आपको। देखो ये वाला थोड़ा टॉपर देखेंगे, 1 है उसके बाद क्या है, 2, तो क्या है, 1 का गेम हुआ, आपको यहाँ लिख लेना छोटा सा, ठीक है। उसके बाद क्या है, 4 आए, तो उसके बाद कितना गेम आया, 2 का है ना, 2 में कितना डाले, 2 डाले ना, और 4 के बाद कितना है, 7, तो कितना गेम हुआ, 4 के बाद 7 यानी 5, 6, 7, 3 है ना। अब देखो ऊपर कितना, इसमें 1 का गेम है, इसमें 2 का गेम है, इसमें 3 का, अब कितने का गेम होगा, 4 का, समझ में आया। और इसमें कितना होगा, 5 का, तो इसमें 4 का, तो 7 में 4 डालोगे कितना हो गया, 8, 9, 10, 11, 11 में 5 डालोगे तो 12, 13, 14, 15, 16, समझ में आया। ये इस तरह से सीरीज चलते हैं, सब में सीरीज है, ठीक है आपको। अब बाकी ये आपको सोल्व करके मुझे बताना, ठीक है, कल एक टॉपिक होगा, ठीक है। इसके बाद आता है स्क्वायर का टॉपिक। स्क्वायर यानी क्या होता है, कोई भी डिजिट को खुद अपने से ही मल्टीप्लाई करना। जैसे कि 1 का स्क्वायर पूछा होगा, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, 2 का स्क्वायर होगा 2 इंटू 2 यानी 4, 3 का स्क्वायर होगा तो 3 इंटू 3, तो 9। अब ऐसे 10 तक तो सबको पक्के आते ही हैं, ठीक है। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, 4 16, 5 का 5 इंटू 5, 25, 6 का 6 इंटू 6, 36, 7 का 7 इंटू 7, 49, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8, 64, 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9, 81, 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10, 100। स्क्वायर इसलिए कि आपको ये सीरीज में स्क्वायर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें दिया होगा, अगर एक सीरीज में आप बना देता हूँ, चलो 1 है, 4 है, 9 है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, देखो 1 का 1 का स्क्वायर है 2, 4 क्या 2 का स्क्वायर है, 9 क्या 3 का स्क्वायर, अब क्या आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा और इसमें आएगा 5 का स्क्वायर, हो गया ना 16, पता चला इसके लिए स्क्वायर काम गया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में भी और ज़्यादा काम लगेगा। देखो ये हो गए नंबर सीरीज और स्क्वायर, ठीक है। फिर मैं इसको आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ,
इसके बाद नेक्स्ट आता है अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज में क्या होता है, ए टू जेड जो एबीसीडी है उसके ही नंबर है। फर्स्ट देखो ए है, उसके बाद क्या है सी, उसके बाद क्या है ई, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, पहले अपनी नोटबुक में एबीसीडी पूरी लिख देनी है ए टू जेड तक। फिर उसमें देखना है कि ए के बाद सी कब आया, बी को छोड़ के आया, उसके बाद ए आया, तो इसमें देखो क्या छूट गया बी, इसमें छूट गया डी, ए बी सी डी ई, और क्या छूटेगा एफ एफ जी एच आई। समझ में आ गई सीरीज वाली, एक छोड़ के एक लिखा, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई हो गई। देखो डी ई एफ ए बी सी डी ई एफ, तो इसके अब इजी है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच। देखो अभी ये क्या, ए के बाद डी कब आया, बी और सी को छोड़ दिया तो डी आ गया, फिर ई और एफ को छोड़ दिया तो जी आ गया, एच और आई को छोड़ दिया तो जे आ गया। अब क्या के जे के बाद क्या आएगा, जे के और एल को छोड़ेंगे एम, एन और ओ को छोड़ेंगे तो पी। समझ में आया। अब देखो ये क्या है, जेड है, उसके बाद क्या है एच लिखा है, तो ए बी सी डी लिखी हुई तो आपको पता है जेड इधर है, वाई को छोड़ के एक्स आया, समझ में आया, डब्ल्यू को छोड़ के वी आया, तब यू को छोड़ के क्या लिखेंगे इधर टी, एस को छोड़ के लिखेंगे आर। समझ में आया, यानी आपने ए बी सी डी लिखी हुई। अब यहाँ पर ध्यान दो, अभी दो पर आ जाता हूँ, बाकी ए बी है तो बी, उससे बी सी है ए बी बी सी सी डी, तो डी ई और ई एफ, समझ में आ गया। एम एन ओ पी, देखो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, समझ में आया, बाकी आप अपनी तरीके से, ठीक है, ये सॉल्व कर दो।